हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायो टीच पर लेके आई हूँ प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम 2024 से रिलेटेड अपडेट। जो हमारी एप्लीकेशन फॉर्म है वो शुरू हो गए हैं 12 अक्टूबर 2024 से। अभी इसके लिए कोई भी लास्ट डेट नहीं बताई गई है। जो कैंडिडेट्स हैं किसी भी कैटेगरी के हों, चाहे यूआर कैटेगरी से मतलब अनरिजर्व से हों, चाहे ओबीसी से हो, चाहे एससी या फिर एसटी, किसी के लिए कोई भी फीस यहाँ पे नहीं है अप्लाई करने के लिए। जो मैक्सिमम एज है वो है 24 ईयर्स और जो मिनिमम एज है वो है 21 ईयर्स। ये क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो टोटल पोस्ट आई हैं वो है 80,000 प्लस पोस्ट आई हैं। अब जो पीएम इंटर्नशिप है उसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो है यहाँ पे 10th 12th और आईटीआई पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा और ग्रेजुएट वाले क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जो अभी मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं या फिर जिनकी मास्टर्स डिग्री हो चुकी है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। सिर्फ जो ग्रेजुएट्स हैं वही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने एमबीबीएस वगैरह कर रखी हैं वो भी यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकता है। अब यहाँ पे जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है इंडिया की टॉप कंपनी में वो मैक्सिमम मिनिमम 1 साल का हमें होना चाहिए। जो मंथली असिस्टेंट रुपीस हैं वो 5,000, वन टाइम ग्रेंट रुपीस 6,000। उसके बाद हम देखते हैं हम इसके लिए फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। जो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है वो 12 अक्टूबर से शुरू हुआ है, वो अभी हमने देखा है। लास्ट डेट अभी हमें बताई नहीं गई है, लेकिन जो पीएम इंटर्नशिप ncgov.in है वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि हमारी लास्ट डेट क्या होगी इसके लिए। उसके बाद जब हम चेक करते हैं तो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, एलिजिबिलिटी प्रूफ होना चाहिए हमारा, मतलब जो 10th 12th जो सर्टिफिकेट्स हैं हमारी वो होनी चाहिए, आईडी प्रूफ होना चाहिए हमारे पास, एड्रेस डिटेल्स होनी चाहिए और हमारी जो बेसिक डिटेल्स है जैसे मम्मी का नाम, पापा का नाम और हमारा खुद का नाम, गाँव वगैरह हमारे पास, हमें सब पता होना चाहिए। सिटी कौन सी से हैं हम, ये सब हमें वहाँ पर फिल करना है। उसके बाद हमारे पास फ़ोटो साइन और आईडी प्रूफ होनी चाहिए हमारे पास, वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए हमारा, जैसे कि आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, कुछ भी हो हम वो लगा सकते हैं यहाँ पे। जब हम एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करते हैं तो हमें उसको केयरफुली चेक करना है, उसके बाद हमें प्रिंट आउट लेना है और उस फॉर्म को सबमिट कर देना है। अब हमें नीचे लिंक दिया गया है, यहाँ से हम डायरेक्ट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे डाउनलोड यूज़र मैनुअल, वहाँ पे मैनुअल दिया गया है, वहाँ से हम इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये मैनुअल और एफएक्यू में अभी ये मैनुअल और एफएक्यू मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं मेरे पे, आप वहाँ पे इनको रीड कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।